अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को। और आज का दिन बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा मौसम है आज का। बारिश हो रही थी सुबह से, और ये मेरा रात का व्लॉग है, यानी कि कल का। आज मैं इसको एडिट कर रही हूँ थर्सडे को। ये मैंने बनाए थे बर्गर, अंडे वाले बर्गर, सिंपल जैसे होते हैं, तो उसकी रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इन पे मेरी बहुत मेहनत हुई है, बहुत मेहनत हुई है। प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और सबके घरों में बनते हैं, और ज़्यादातर बच्चों को भी बना देते हैं लंच बॉक्सेस के लिए, और वैसे भी घरों में हम खाते ही हैं। वही सिंपल सी रेसिपी है, कोई ख़ास तो इसमें नहीं है, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको दिखाऊँगी। ऑमलेट बनाने के लिए हमने अंडे ले लिए हैं, इसमें हरी मिर्च और धनिया मैंने काट के रख दिया है, और जो दूसरे स्पाइसेस होते हैं वो इसमें हम शामिल करेंगे, और बस इसको जैसे ऑमलेट बनाते हैं हम वो बनाएंगे। ये साथ सलाद का सामान पड़ा है, मैंने 5 eggs ले लिए हैं, उनको मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ, उनको निकाल लूँगी। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि घर में बर्गर बना के खाऊं, तो इसलिए मैंने कल सोचा है कि चलो अभी दिल कर रहा है, उसी टाइम दिल किया, उसी टाइम मैंने फटाफट तैयारी की है और मैंने बना लिए हैं। सबको बहुत पसंद आए थे, मज़े के बने थे। ये मैंने 5 eggs इसके अंदर डाल लिए हैं, अब बस इस ऑमलेट की हम तैयारी कर लेंगे। ये 5 अंडे हैं, इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे दूसरी चीज़ें। इसको बस फिर फेंट लेंगे। इसके अंदर पहले मैंने 1/2 teaspoon डाला है खुश्क धनिया, घर का कुटा हुआ, मोटा मोटा कुटा हुआ है, ज़्यादा बारीक नहीं है। अम्मी घर में ये करके रखती हैं, पिसा हुआ भी होता है कभी कभी, समटाइम्स वो भी डाल लेती हैं। और ये थोड़ा सा ज़ीरा है, ये डाल दिया है। वैसे अम्मी जो हैं काली मिर्चें भी घर में ही पीस के रखती हैं, वो बाज़ार पैकेट वाली नहीं लेती। ये नमक है थोड़ा सा, 1/2 teaspoon इसमें नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि वो कहती हैं कि उसमें वो सब मतलब जो गंद वंद होता है वो उसी तरह पीस देते हैं, तो बंदा घर में साफ़ करके गरम मसाला भी, ये सब स्पाइसेस जो होते हैं हम खुद घर में यूज़ करते हैं। ये 1/2 teaspoon तकरीबन रेड चिलीज़ डाल दिए हैं इसके अंदर ऑमलेट के लिए। थोड़ा अच्छा सा बनाया था, मतलब बहुत फीका नहीं बनाया था, सही बनाया था, फीका भी नहीं था, बस नॉर्मल था। थोड़ी सी इसके अंदर हमने हल्दी शामिल कर दी है, बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से ही बना हुआ है, ज़्यादा कोई इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है। ये सब स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करके हमने हरी मिर्ची और इसमें धनिया डाल देना है। आज बहुत ठंडा मौसम है, यहाँ बहुत प्यारा, सुबह से रेन हो रही थी बिल्कुल स्लो स्लो, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। और आज मैंने स्कूल में भी बहुत अच्छा दिन गुजारा, और कुछ लोग कह रहे थे कि शायद आप वहाँ पे पढ़ती हैं, आप छोटी से, ये मैं छोटी नहीं हूँ, मैं वहाँ पे टीचिंग करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, तो मैं पढ़ती नहीं हूँ वहाँ पर। बाकी सब सुन लें जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था। तो बस यहाँ पे मैं इस अंडे को फेंट लूँगी अच्छे तरीके से। अभी थोड़ी बारिश रुक गई है, मैं छत पे आई हूँ क्योंकि नीचे शोर होता है, सब बच्चे आए हुए होते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं 3 बजे उनको काम करवाना स्टार्ट करती हूँ। 2 बजे तक मैं स्कूल से आ गई थी पेपर चेक करने के बाद। अभी बस मैंने चाय वगैरह पिया क्योंकि आज हमने वहाँ पे थोड़ा लंच कर लिया था, तो इसलिए बस मैं चाय पी के ऊपर छत पे आ गई हूँ। छत पे कोई नहीं होता तो शोर नहीं आता, इसलिए एडिट करना आसान रहता है। अब बस मैं इसको अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लूँगी, और मैंने अंदाजे से ही सब चीज़ें डाली थी, नमक वगैरह और दूसरे स्पाइसेस, लेकिन बिल्कुल ठीक थे, शुक्र है बिल्कुल ठीक थे। यहाँ पे तकरीबन ये तैयार हो गया, और दूसरी साइड पे फिर मैंने जल्दी जल्दी फटाफट सलाद की तैयारी कर ली थी, जो मैंने अपने बर्गर में डालने थे, खीरे, प्याज, टमाटर और कैबेज नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए फिर मैंने वो शामिल नहीं की, क्योंकि अचानक ही मेरा प्रोग्राम बना था, बिल्कुल अचानक ही मग़रिब के बाद के दिल कर रहा था कि बनाऊं, क्योंकि रात में अब्बू वो डबल रोटी लेकर आए थे बर्गर वाली, तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट बना लेती हूँ, उसी टाइम इरादा बना और उसी टाइम सारा मैंने काम किया है। और बस इसके बाद फिर मैंने ये खीरे काट लिए हैं, थोड़े से प्याज कट कर लूँगी और टमाटर कट कर लूँगी,
जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उसे बना लें, चल जाएगा, मज़े का बनता है। सिंपल तरीके से भी आपके घर में कोई भी चीज़ हो, कबाब ना हो, आलू की टिक्कियाँ हो, कुछ भी चीज़ हो, बस उसमें ऐड कर दें, बड़ा मज़े का यम्मी सा बनता है। इधर हम ऑमलेट की तैयारी कर लेंगे, पैन में ऑयल डाल दिया है, उसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद फिर हम इसके अंदर बिल्कुल आराम से सिंपल तरीके से जैसे हम अपना ऑमलेट बनाते हैं अंडे, वैसे इसके अंदर डाल देंगे। हो गया गरम, और अब हम इसके अंदर अपना वो मिक्सचर शामिल कर देंगे जो हमने अंडों का बनाया था, बड़ा मज़े का। थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल कर दूंगी, आप लोग थोड़ा थोड़ा भी बना सकते हैं। तो मुझे बस देर हो रही थी, मैंने एक ही टाइम में बना लिया था, मज़े का बना था, गंदा नहीं था, मज़े का था बहुत ज़्यादा। और अपने हाथों का बना हुआ तो और भी बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस पे हमारी अपनी मेहनत होती है। अम्मी को हम कह देते हैं, अम्मी ये चीज़ सही नहीं है, इसमें ये मसला है, जब आती हैं तो, क्योंकि दोपहर का खाना अम्मी बनाती हैं तो फिर हमें फील होता है, जब हम खुद बनाते हैं तो फिर हमें फील होता है कि इतनी मेहनत होती है तो दूसरों को नहीं कहना चाहिए। बैठे बिठाए अगर आपको कुछ खाने का मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने इतनी मेहनत से बनाया था तो मुझे बहुत कदर हो रही है, बहुत मेहनत से खाना बनता है, बड़ा मज़े का बना था। और वैसे भी जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जिनके बच्चे हैं, उनकी तो लाइफ वैसे भी बहुत बहुत टफ होती है। अल्लाह पाक उन सबको ठीक रखे, अम्मियों को ख़ास तौर पे, सबको बल्कि, लेकिन अम्मियाँ होती हैं बहुत ख्याल रखती हैं बच्चों का, जिस तरह हमारी मदर हमारा रखती हैं, आप भी सब रखती होंगी। तो बहुत मुश्किल और टफ़ लाइफ होती है, ये जो हाउस जॉब होती है ये सबसे टफ़ होती है। हम लोग तो फिर भी अभी चलो शुक्र है अभी अनमैरिड हैं, तो कोई इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है हमारे। तो आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हो। ये मेरा इतना मज़े का ऑमलेट बना था, गरम गरम, इतनी टेस्टी खुशबू आ रही थी, क्योंकि हम लोग देसी अंडे इस्तेमाल करते हैं, गांव से आते हैं हमारे, तो वो जो दूसरे होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, उनमें बहुत स्मेल भी आती है, वो हम बहुत कोशिश करते हैं कि ना ही इस्तेमाल करें। अगर बहुत कभी मजबूरी हो, बहुत मजबूरी हो तो हम कर लेते हैं, लेकिन नहीं करते। कि इतना मज़े का ऑमलेट बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। और इसकी जो खुशबू थी, मगरिब टाइम वो हल्के हल्के बादल थे, तो ऐसे मौसम में जब ये चीज़ें बनती हैं, स्पेशली जिन्हें हम ऑयल में फ्राई करते हैं बनाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये भी बहुत मज़े का बना था, दिल कर रहा था उसी वक्त इसको खा जाएं गर्मा गर्म, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल ऑमलेट। ये बस पैन छोटा था और ये ज़्यादा था, तो इसलिए अलग अलग से नहीं बना, तो फिर इसलिए मैंने इसको ऊपर नीचे रख दिया करके। ये बड़ा टेस्टी यम्मी बना था, ये देखे। ये बस मैं इसको एक डिश में निकाल लूँगी पीसेस करके, फिर बाद में हम इसको रखेंगे उसके ऊपर। फ़िलहाल तो इसको ऐसे ही हमने रख लेना है बना के, इनका अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, इनको बस अलग से सैलड बना के मैंने रख दिया है। और ये अंडे भी एक साइड पे रख दूँगी, और मैंने रायता भी बना के रख दिया है, थोड़ा सा चटनी वाला, ग्रीन कैचअप भी होगा, लेकिन मैंने रायता भी रखा है, अम्मी को बहुत पसंद है इसलिए। तो ये डबल रोटी थी जो अबू रात लेकर आए थे, बर्गर का बन कह लें, रोटी डबल रोटी कह लें इसको। तो बस ये बर्गर के एक पैक मंगवाया था हमने जब केक लाए थे अबू, तो उसके साथ लाए थे। ये देखेंगे ऐसे मिलते हैं, ये बहुत सस्ते होते हैं। ये एक पैक शायद 60 का आया था, मतलब इसके अंदर 6 थे तो ये 10 का एक बन गया। तो घर में अगर बच्चों के लिए बनाएं तो बहुत इजी है। तो एक साइड पे मैंने जल्दी जल्दी कुछ फ्राइज़ तैयार कर लिए थे, सिंपल, बस आलू को कट करके वॉश करके ड्राई करके फिर मैंने ऑयल में डाल दिया था, तो ये बस सिंपल से बन गए थे हमारे। इसी तरह मैंने इनको सबको निकाल लिया था, तो ये हमारे फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। सब चीज़ें मैंने फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी से करके रख दी थी, ताकि टाइम कम हो, तो फिर बनाने के लिए तो इतना वो नहीं लगता, बस ये चीज़ें ही तैयार करनी पड़ती हैं। बर्गर बनाने के लिए तो इतना कुछ ख़ास वो नहीं होता। ये बस मेरे फ्राइज़ तैयार हो गए हैं, इनको मैं रख रही हूँ अंदर, इसको मैंने रख लिया है। और ये जो डबल रोटी है ये ना दरमियान से कट लगे हुए इसके नहीं होते, उनके पास तो बड़ी बड़ी नाइफ्स होती हैं तो वो कर लेते हैं, हमारे पास तो जैसे सिंपल छुरी होती है, नाइफ़ होती है, उसी से हमने कट किया था। इनमें दरमियान में कट नहीं था, तो वो हमने दरमियान से फिर इसको खोल लिया था,
फिर ये तवे के ऊपर ज़रा सा इसको बस ग्रीस आउट करके ऑयल के साथ ज़रा सा बस, ताकि ये चिपके ना, तो हम इसके ऊपर ये ब्रेड रख देंगे। थोड़ी सी ये हो जाएगी नरम, बस ज़रा सी, जिस तरह हम उसको स्लाइस को सेंकते हैं, तो बस ये इसको सेंक लेंगे हल्का सा करके, ज़्यादा नहीं, फिर ये जल जाता है, तो बिल्कुल लाइट सा इसको वो कर लेंगे ताकि थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए और बन सा जाए। इतने मज़े के ये लग रहे थे, गर्मा गर्म बड़े टेस्टी लग रहे थे। इसको मैंने ऐसे हल्का सा ग्रीस करके तवे को, इसके ऊपर मैंने फिर ये बर्गर बन जो थे इनको रख लिया था। अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो ज़रूरी नहीं है इतने अहतमाम से बनाएं, इसमें कुछ भी रख के इतना ईजिली बच्चे शौक से खा लेते हैं कि चलो बर्गर है खा लेते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, हम भी खा लेते हैं। कभी कभी ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बाज़ार से भी मंगवा के खा लेते हैं, बाज़ार से भी बहुत मंगवाते हैं, कभी कभी बस अपने हाथों से बनाने का दिल करता है। इसी तरह इसको बहुत एहतियात से वो करना है, इतने सॉफ्ट होते हैं, फिर ये टूट भी जाते हैं, शुक्र है मेरा नहीं टूटा। यहाँ पे बस हमारे ये बर्गर बन तैयार हो गए हैं, हल्का सा इनको बिल्कुल लाइट आंच पे वो कर लिए, और दूसरी साइड पे ये सारी चीज़ें मैंने रख दी थी जाके जल्दी जल्दी। कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे, वो मैंने फ्राई करते हुए नहीं दिखा सकी, भूल गई थी। तो सलाद, बर्गर, केचप, रायता, अंडे, ये सब मैंने रख दिया। अब बर्गर के ऊपर एक तरफ वो केचप लगाएंगे, फिर इसके ऊपर सारी लेयरिंग कर देंगे, अंडा, केचप, रायता, सलाद, कबाब, जो कुछ भी हमारे पास है अवेलेबल, हम सब कुछ वो रख देंगे। बंद गोभी हो, आप जो कुछ आपके घर में अवेलेबल है वेजिटेबल्स में, जो आपको पसंद है, आपके बच्चों को पसंद है, आप वो रख दें इसके ऊपर। और बस अब इसके ऊपर ये सब फिलिंग करके जितनी आपको रिक्वायर हो, तो इसको रख के इसको दरमियान से पीसेस बना लें, आप छोटे बना लें, बड़े बना लें, हर इंसान की अपनी वो। बस मैंने आपको दिखाने के लिए इसके दो पीसेस ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। ये बस हमारा तैयार हो गया है, हमने तैयार किया और सबने खूब मिल के इंजॉय किया, बहुत मज़े का बना था ये, बहुत मज़े का बना था। और ये इस तरह इसकी लुक थी, फिर हमने खा लिया था इसको, बहुत मज़े का था। प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने अपने घरों में, ये बहुत मज़े का बनता है, और जो अपने हाथों से चीज़ बनी हुई होती है वो लगती भी बहुत मज़े की है। और मेरा भाई हंस रहा था कि जब से तुम इस तरह वीडियोस को अपलोड करती हो तो हमारे लिए बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती हो, तो तुम्हारा शुक्रिया। मैंने कहा अब तुम्हारी मैंने मौजें लगा दी हैं बना के। ओके, आप सब लोगों का थैंक यू एक बार फिर। प्लीज़ इसको देखें, लाइक करें और कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। सबसे थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।